नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी रिप्रेजेंट अ वेव मोशन विद और हमारे ऑप्शन है एम्प्लीटूड ए फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय टू पाए ये एक एक्स्ट्रा पाए आ गया इसमें भी इसमें भी इसमें भी और एम्पलीट्यूड ए बाय टू फ्रीक्वेंसी पाए बाय सॉरी ओमेगा बाय पाए या फिर एम्प्लीटूड टू ए फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई ओमेगा बाय फोर पाए डज नॉट रिप्रेजेंट अ वे मोशन ना इसको ऐसे देखना अगर इस क्वेश्चन को हम लिखें वाई इज इक्वल टू यू हो गया आपका ए साइंस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी ना इसको अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेग्नोमेट्री यूज करके साइंस स्क्वायर को अगर हम फंक्शन uh, में कॉस फंक्शन में कन्वर्ट करें तो इसको आप लिख सकते हैं ए वन माइनस कॉस ऑफ ये आपका आ जाएगा ट्वाइस uh, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर ट्वाइस बाहर ले लेते हैं ट्वाइस के एक्स माइनस ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय टू आपकी आ, वाई की यहां पे वैल्यू हो गई ना इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करें सो दिस विल बी इक्वल टू ए बाय टू और ये आ आगे आपका वन माइनस बन जाएगा cos ऑफ टू के एक्स माइनस टू ओमेगा टी राइट और इसको और a बाई टू को अगर हम इधर ले आए तो ये बन गया y माइनस ए बाई टू विल बी इक्वल टू ये आ गया आपका cos ऑफ uh, ये बना आपका टू के एक्स माइनस टू ओमेगा टी लाओ ये अगर आपकी इसको इस चीज़ को अगर हम y डैश कह दें तो ये आपका कॉस्डल फंक्शन हो गया विच डज़ रिप्रेजेंट्स आपकी साइनस वेव बिकॉज हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर हम कह रहे हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी अगर इस फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन है सो दैट विल बी अ वेव और अगर वो साइनसुडल और कॉसिसडल फंक्शन है तो इट विल बी अ कंटिन्यूस वेव अगर ये स्क्वायर का है या समथिंग लॉग या ई टू द पावर समथिंग है सो देन इट विल बी अ पल्स बट इस केस में इट विल बी अ कंटिन्यूस फंक्शन और इस केस में आपकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर आपका ये वाला जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा डैश इस वाली वेव की ओमेगा डैश आपकी टू ओमेगा हो जाएगी सो ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू टू ओमेगा अब अगर हम यहाँ पे एफ डैश की बात करेंगे तो आपके जो फ्रीक्वेंसी एफ डैश उसको हम यूजली लिखते हैं रिलेशन यूज करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा बाय टू पाई सो दिस विल भी इक्वल टू ओमेगा डैश डिवाइडेड बाई टू पाई ये वैल्यू अगर हमें इंसर्ट कर देंगे तो दिस विल भी इक्वल टू टू ओमेगा डिवाइडेड बाई टू पाई यानी कि आपकी एफ़ डैश जो ये जो वेव है इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा बाय पाए ये आपकी फ्रीक्वेंसी uh, हो होगी अच्छा यहाँ पे ये ए बाई टू भी था ये हमने शुरू में मिस कर दिया तो आपका एम्पलीट्यूड जो है वो आपका हो जाएगा ए बाय टू और फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा पाए सो बेस्ड ऑन दिस ओमेगा बाय पाए बेस्ड ऑन दिस हम कह है सकते हैं ऑप्शन टू जो है एम्पलीट्यूड ए बाय टू एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय पाए दैट वुड बी द फाइनल आंसर